सो ये है IQ Z3 5G फोन और आज है 2 जून, रात का 3 बज रहा है। अभी मैं इसको अनबॉक्स कर रहा हूँ और ये लॉन्च होने वाला है 8 जून को, और ये वाली वीडियो आप 8 जून को देख रहे होगे होपफुली, अगर मैंने अपलोड कर दिया होगा टाइम पे तो। और अभी मैं इसको अनबॉक्स कर रहा हूँ आप लोगों के सामने क्योंकि इसकी टेस्टिंग करनी है। एक किलर टीप्यू केस है जो कि थोड़ी दिन बाद पीला हो जाता है। सिमिलेटर टूल है और पीछे में कुछ स्पेसिफिकेशन लिखा हुआ है, और यहाँ पे टाइप सी वाला डेटा केबल है। बॉक्स के अंदर ये चार्जर भी 55 वॉट सपोर्ट करता है, ये तो काफी सही चार्जर होगा, टेस्ट कर लेंगे इसके बाद में। और अब फोन की मुंह दिखाई कर लेते हैं थोड़ी सी। सो ये है IQ Z3 5G। इस वाले कलर का नाम साइबर ब्लू कलर है, आप देख सकते हो काफी ज्यादा यहाँ से रेनबो वाला इफेक्ट आ रहा है, देखने में काफी सही लग रहा है फोन। हल्का सा आपको यहाँ पे फिंगरप्रिंट स्मजेस आ रहे हैं इसके अंदर, लेकिन ये है पूरा पूरा एक प्लास्टिक बैग, हाथ में पकड़ते आपको प्लास्टिक फील हो जाएगा। तो इसको ऑन कर लेते हैं IQ 5G। वैसे मैंने जस्ट अभी हाथ में होल्ड किया, मेरे को काफी सही फील दे रहा है, और यहाँ से जो कर्व है ना बॉडी, उसके वजह से एक अच्छा ग्रिप बन जा रहा है। तो अब इसको सेटअप कर लेते हैं। तो फोन कंप्लीट सेटअप हो चुका है यहाँ पे, और अगर आप देखोगे 2 एप्लीकेशन आपको एक्स्ट्रा मिल जाते हैं यहाँ पे, मौज और डेली हंट, इस दोनों को हटा सकते हैं आप आराम से, अनइंस्टॉल हो जा रहे हैं। मोबाइल आपको ट्रिपल सिम स्लॉट नहीं मिलेगा, आप डुअल सिम लगा सकते हो या फिर एक मेमोरी कार्ड और एक सिम लगा सकते हैं, और ऊपर से देखने में काफी ज्यादा पतला लगता है। तो अभी इस फोन को मैं 5-6 दिन यूज करता हूँ और आपको मैं कंप्लीट डिटेल रिव्यू देता हूँ उसका। सो फोन की टेस्टिंग चल रही थी गाइस, और इसका बैटरी ओ यार अभी गिर जाता यार, लेकिन आपका भाई अच्छा फील्डर है। और अभी मैंने इसको चार्ज करना शुरू किया था, फोन हो गया था ऑफ, 5 मिनट की चार्जिंग में 20% कर दिया, टू बी प्रिसाइज 19 मिनट कर दिया। अभी चार्ज इसको करेंगे हम लोग, तो चार्ज हो रहा है फोन, और एक क्लेम ऐसा आ रहा है इनका कि 50 मिनट में फुल चार्ज हो जाएगा। सो IQ Z3 को यूज करते हुए 5 दिन हो चुका है और प्रॉपर रिव्यू का टाइम अब आ चुका है। सबसे पहले बात करेंगे इस फोन के एक्सपीरियंस के बारे में, कैसा लगा मुझे ये फोन। तो डेफिनेटली एक मिड रेंज वाला फोन मुझे फील हुआ है ये, और एज सच कोई इशू नहीं हुआ है अभी तक। सबसे पहली बात, जो इसका डिजाइन है वो थोड़ा सा यूनिक मैं कहूंगा इसको, अच्छा सा लग रहा है मुझे, और जो इसका फ्रेम है वो भी प्लास्टिक है। इन हैंड फील काफी अच्छी आती है इस फोन की, फोन यहाँ से ऐसे कर्व सा है ना, तो इसके वजह से आपको फोन का ग्रिप अच्छा फील होता है, और फोन ज्यादा चौड़ा भी नहीं है तो आपको आराम से एक ग्रिप मिलता है। और इस फोन में वन हैंड यूज पॉसिबल नहीं है, आपको यहाँ पे अंगूठा वहां तक नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि काफी बड़ी स्क्रीन है, 6.58 इंच का स्क्रीन है ये, और ये एक LCD पैनल है। और इनिशियली काफी सही डिस्प्ले लगा। सबसे पहली बात, एक होता है फ्लैट टोन वाला डिस्प्ले जिसपे ज्यादा रिफ्लेक्शन नहीं होता, काइंड ऑफ वैसा मेरे को डिस्प्ले लगा है। एक LCD पैनल है, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है इसके अंदर, और रिफ्रेश रेट में ये वाला फोन मुझे वन ऑफ द बेस्ट फोन लगा। सबसे पहली बात, इसके अंदर 3 अलग अलग मोड है, 60, 90 और 120 वाला, और एक स्मार्ट स्विच है वो खुद से ही चेंज करता है 120 पे, कभी 90 पे, कभी 60 पे, लेकिन भाई मैं वो रिकमेंड नहीं करता हूँ, डायरेक्ट 120 हर्ट्ज यूज करो, हल्का सा बैटरी ज्यादा जाएगा, लेकिन एक्सपीरियंस काफी ज्यादा स्मूथ आएगा, और टच सैम्पलिंग रेट भी काफी ज्यादा अच्छा है इसका, 180 हर्ट्ज का टच सैम्पलिंग है। सबसे पहली बात, इस फोन के अंदर कोई भी ऐसे एड वैड नहीं आता है, और कोई भी सिक्योरिटी फ्लॉ नहीं है, मतलब कोई परमिशन आप ऐसे रोक नहीं सकते, सब आप आराम से ऑफ ऑफ कर सकते हो। तो इसके अंदर एक सिक्योरिटी एप्लीकेशन है, आपको मैं दिखा देता हूँ, आई मैनेजर करके एक सिक्योरिटी एप्लीकेशन है, और जो भी परमिशन एप्लीकेशन ले रही है आप सबको ऑफ भी कर सकते हो, डिनाई कर सकते हो, तो कोई भी एज सच इशू नहीं लगा मुझे। और बहुत ही सिंपल वर्ड में बोलूं तो इस फोन को बनाया गया है काफी तगड़े परफॉर्मेंस के लिए और गेमिंग के लिए, इसके वजह से इसके अंदर LCD पैनल यूज किया गया। वैसे AMOLED यूज होता भाई तो काफी तगड़ा रहता, लेकिन भाई AMOLED इसके अंदर नहीं है, एक हल्का सा मुझे कौन लगा है कह सकते हैं आप इसको, लेकिन ये सारी बातें इसकी प्राइस के ऊपर डिपेंड करेगी, और अगर इसकी प्राइसिंग आती अराउंड 20 से 22 तक तो मैं इसको काफी तगड़ा फोन मानूंगा, अदर हल्का सा ऊपर जाता है तो शायद से LCD पैनल इसका एक कॉन बन सकता है, लेकिन देखते हैं प्राइस क्या आती है। आपको मैं कमेंट सेक्शन में बता दूंगा और आपको डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर दूंगा प्राइस, क्योंकि मैं अभी वीडियो हल्का सा पहले बना रहा हूं, आपको पता होगा। तो अब बात करते हैं इस फोन के हार्डवेयर के बारे में। स्नैपड्रैगन 768 है, 5G प्रोसेसर है, और इंडिया में ये फर्स्ट टाइम आ रहा है। अब ये वाला प्रोसेसर 765 और 750 दोनों से ज्यादा बेटर परफॉर्मेंस में और ग्राफिक्स में है। इसके अंदर 64 मेगापिक्सल का सैमसंग का GW3 सेंसर है, ये वाला सेंसर सबसे ज्यादा लेटेस्ट है, तो अच्छी बात है कि ब्रांड ने इसको यूज किया है। दूसरा वाला कैमरा इसके अंदर वाइड एंगल कैमरा है, 8 मेगापिक्सल का है, और आपको लास्ट वाला कैमरा है 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा है।
मैक्रो कैमरा से मेरे को कुछ ऐसा प्यार व्यार नहीं है। और जो इसका सेल्फी कैमरा 16 मेगापिक्सल का है। सो अभी टेस्टिंग कर लेते हैं आउटडोर कंडीशन में इसे कैमरा की। सबसे पहले सेल्फी की बात कर लेते हैं। इसके अंदर सेल्फी यार मेरे को काफी ज्यादा सही लगा। जो स्किन टोन है ना वो बहुत ही अच्छा मेंटेन करता है, बहुत ही स्लाइटली ब्यूटीफाई करता है। ये नॉर्मल मोड पे है, सारे फिल्टर यहाँ पे ऑफ है और ये नॉर्मल मोड की सेल्फीज है यहाँ पे देख सकते हो। और स्किन टोन मेरे को काफी ज्यादा सही लगा है। क्वालिटी हल्की सी कम है लेकिन भाई उतना ओवरऑल चल जाएगा, बाल वाल काफी सही है। ओवरऑल बहुत ही अच्छी और बैलेंस सेल्फी लगी मुझे। इंडोर कंडीशंस में भी सेल्फी अच्छी आती है, बस लाइटिंग कम होने की वजह से हल्का सा क्वालिटी कम रहता है, लेकिन ओवरऑल अच्छी सेल्फी कहूंगा इसको भी। और जिसका रियर कैमरा है वो फोकस काफी ज्यादा इंस्टेंट करता है, मुझे काफी अच्छा लगा इसका फोकस। सैमसंग का नया वाला सेंसर है और काफी पावरफुल सेंसर मैं कहूंगा। एक दो फोटो ले लेते हैं। वाइड एंगल फोटो का HDR सही सा लग रहा है मुझे, कलर रिप्रोडक्शन भी अच्छा है, लेकिन क्वालिटी हल्की सी कम है लेकिन भाई काम चल जाएगा। और अगर बात की जाए इसके रियर कैमरा की तो कलर्स में हल्का सा सैचुरेशन दिखता है लेकिन बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है। और पोर्ट्रेट फोटोज में काफी सही एज डिटेक्शन करता है ये। हल्का सा आपको यहाँ पे इशू आया है लेकिन ओवरऑल चल जाएगा मेरे हिसाब से। और यहाँ पे क्वालिटी भी काफी सही मेंटेन कर लेता है और हल्का सा क्लियरिटी एक्स्ट्रा बढ़ाता है ये पोर्ट्रेट्स के द्वारा, लेकिन भाई नेचुरल टोन रखता है वो काफी इंपॉर्टेंट है। अगर नेचुरल फोटोज की बात की जाए तो इसके अंदर भी फोकस काफी ज्यादा फास्ट है, कलर रिप्रोडक्शन भी काफी ज्यादा सही किया इसने, तो ओवरऑल एक इम्प्रेसिव कैमरा मैं कहूंगा। मुझे काफी अच्छा लगा इनिशियल इम्प्रेशन में। और अब बात करते हैं इस फोन की परफॉर्मेंस के बारे में। सबसे पहली बात, जो थर्मल थ्रॉटलिंग वाला है, मैंने इसको ऑलमोस्ट 10 मिनट चला रखा आप लोग के लिए। मैंने पहले टेस्टिंग की है इसकी, इस फोन के अंदर हीटिंग इशू मुझे नहीं लगा है। 10 मिनट तक चलने के बाद आप देखो परफॉर्मेंस में काफी ड्रॉप आया फिर ऊपर आया, लेकिन कभी भी रेड लाइन नहीं आई आपको देखने को मिलेगी। येलो इज लाइक कि भाई चल जाएगा आपको गेम आराम से, कोई ऐसा इशू नहीं आएगा। रेड के टाइम मतलब आपको फ्रेम ड्रॉप्स इसे नोटिस होने लगते हैं। तो सबसे पहले टेम्परेचर ले लेते हैं आप लोगों के सामने। इसका फ्रंट से ऑलमोस्ट 39.4 हो रहा है, ऊपर की साइड से 12 मिनट की टेस्टिंग हो चुकी है अभी। और पीछे से अगर आप देखो तो वही 39.8 हो रहा है जहां से मैंने होल्ड किया हुआ है, बीच से आपको 37.1 हो रहा है, क्योंकि इसके अंदर ग्रेफाइट कूलिंग सिस्टम है, मतलब कि ग्रेफाइट का सिंक होता है वो इसके अंदर है और वो काफी ज्यादा सही काम कर रहा है मेरे हिसाब से। क्योंकि ये वाली एप्लीकेशन चलाने के बाद अच्छे अच्छे फोन भाई रो देते हैं, लेकिन इसने अपना परफॉर्मेंस काफी सही बरकरार रखा। तो अभी इसको स्टॉप कर देते हैं और 12 मिनट 42 सेकंड का स्क्रीनशॉट ये रहा आपके सामने स्क्रीन पे। ओ भाई अमिताभ बच्चन बन गया मैं तो। और रीड एंड राइट स्पीड भी मैंने किया इसके ड्राइवर्स का, तो इसके अंदर DDR4X है और उसके हिसाब से जो आपको यहाँ पे डेटा आया ठीक आया काफी। 882 तो भाई काफी अच्छा होता है और काफी सही फोन स्मूथ फील होता है आप। और ये है इसका गीक बेंच स्कोर। मैं वैसे ज्यादा नंबर के ऊपर नहीं कूदता हूँ भाई, आपको हल्का सा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस दिखाता हूँ। तो इसके अंदर हम लोग अभी कॉल ऑफ ड्यूटी खेल लेते हैं इस वाले वीडियो के लिए, आगे आपको पबजी की टेस्टिंग में देखने को मिल जाएगा। आपको स्क्रीन में काफी सारे गेमिंग फीचर्स हैं इसके अंदर, जैसे कि आप बैकग्राउंड कॉल को आप स्टॉप कर सकते हो, नोटिफिकेशन म्यूट है, कॉल रिजेक्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली, और यहाँ पे वॉइस चेंजर भी इसके अंदर है। ये सारी चीजें काफी सारी चीजें आपको रिकॉर्ड भी कर सकते हो, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। स्क्रीनशॉट लेके दिखाता हूँ आपको। अब जल्दी से गेमिंग करते हैं और आपको बताते हैं कैसा एक्सपीरियंस आता है इसमें। मैक्सिमम सेटिंग से इसका वेरी हाई ग्राफिक्स क्वालिटी, वेरी हाई फ्रेम रेट चल जाएगा। अगर आप हाई पे रखोगे तो मैक्स चल जाएगा इसके अंदर। ऑल्सो मुझे एक प्रॉब्लम यहाँ पे नोटिस हुई है कि इसके अंदर सिंगल स्पीकर है, एयर पीस है ये वाला, और एयर पीस की जो क्वालिटी है वॉइस कॉल के दौरान वो भी काफी सही होती है। इसके अंदर मेरा सिम डला हुआ है अभी भी, तो मैंने काफी सारा टेस्टिंग वेस्टिंग कर रखी थी। अभी स्टार्ट करते हैं भाई गेम जल्दी से। सही फ्रेम रेंडर कर रहा है बहुत ही फास्ट और काफी स्मूथ फील हो रहा है गेमिंग के अंदर। यहाँ पे आपको फील हो रहा होगा देखते हुए एक बार हीट चेक कर लेते हैं। हीट तो कुछ ज्यादा बड़ा नहीं, 33.5 डिग्री सेल्सियस हो रहा है। एक बार और गेम खेलते हैं हाई सेटिंग्स पर भी। तो अभी हम खेलते हैं वेरी हाई ग्राफिक्स और वेरी हाई फ्रेम रेट्स पे।
तो आपने देखा परफॉर्मेंस के हिसाब से ये फोन काफी ज्यादा तगड़ा है और स्नैपड्रैगन 768 से मुझे काफी ज्यादा उम्मीदें हैं। और अब बात करते हैं इसके बैटरी की, तो इसके अंदर 4400 mAh की बैटरी मिली है। थोड़ी सी कम साउंड कर रही होगी आपको, लेकिन भाई फोन पतला अगर आपको चाहिए तो बैटरी थोड़ी सी कम चल जाती है मेरे हिसाब से, क्योंकि इसके अंदर 55 वाट का चार्जर है, ऑलमोस्ट 55 से 60 मिनट में फुल चार्ज कर देता है। मैंने 2 दिन पहले इसकी चार्जिंग टेस्टिंग की थी। अब बात करते हैं इस फोन के फाइनल वर्डिक्ट की। 2 चीज मुझे कम लगी इसके अंदर। पहला, डुअल स्पीकर इसके अंदर होना चाहिए था, और अगर इसकी प्राइसिंग 25,000 तक क्रॉस करती है तो इसके अंदर डेफिनेटली एमोलेड डिस्प्ले होना चाहिए था। अदरवाइज इस फोन का कैमरा बहुत ही ज्यादा तगड़ा लगा है मुझे इनिशियल इंप्रेशंस में, और परफॉर्मेंस भी बहुत ही ज्यादा अच्छा है। तो इनिशियल इंप्रेशंस में ये फोन काफी ज्यादा तगड़ा लगा है मुझे, तो मुझे इसको रिकमेंड करने में कोई इशू नहीं होने वाली है। अभी के लिए इस वीडियो को यहीं पर रखते हैं। होपफुली आपको वीडियो पसंद आ गया होगा। भाई जितनी ज्यादा टेस्टिंग की काफी टाइम लगा है, उसके लिए एक लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और कोई भी इंफॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, रिप्लाई कर देंगे, या फिर इंस्टाग्राम पे आ सकते हो। और इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं किसी और नए वीडियो में, और कोई एक्स्ट्रा वीडियो देखने इससे रिलेटेड तो आप बता सकते हैं। अभी तो भाई अपने पास ही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।